आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अंगना फूल खिलेंगे जब हम बात करेंगे ऐसी फिल्म की जो वाकई में दिल को छू के जाती है। जी हाँ, जब वी मेट, एक ऐसी फिल्म जिसने अपनी बहुत सारी चीजों को दिलों में छोड़ दिया लोगों के, व्यूअर्स के। और आज भी उस फिल्म का जिक्र आता है तो फिर से देखने को मन करता है कि वो फिल्म देखते हैं, जब वी मेट, जिसमें करीना कपूर और शाहिद कपूर की जोड़ी थी। तो इम्तियाज अली की ये फिल्म, जिसकी रिलीज हुई थी 2007 को, इसकी करेंगे बात, फिल्मी बात अंजू के साथ। तो वही गुजारिश करती हूँ पहले सबसे आपसे कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के राइटर और डायरेक्टर की, तो ये है इम्तियाज अली। इम्तियाज अली से मेरा पर्सनल एनकाउंटर हो चुका है और बहुत ही सिंपल और डाउन टू अर्थ है इम्तियाज अली। ये उनके फर्स्ट एनकाउंटर से ही मैंने समझ लिया, क्योंकि बहुत ही ऐसी छोटी सी बात थी जिसको लेके हम लोग बहुत इंप्रेस हो गए इम्तियाज अली से। आपको इंसिडेंट बताती हूँ सबसे पहले मैं अपना, कि मैं अपने गेस्ट को लेके पृथ्वी थिएटर जो जुहू में है वहां पे उनको घुमाने के लिए लेके गई थी। वहां पे बहुत सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स होते हैं, बट कुछ अपने ही उसमें होते हैं कि हम एक्टर हैं बड़े, हम क्यों बात करें, हम डायरेक्टर हैं बड़े, तो हम एक क्राउड के साथ बैठे हैं तो हमें किसी से क्या लेना देना। तो ऐसे ही वहां पे होते हैं एक्टर्स और डायरेक्टर्स, घूमते रहते हैं, मगर कुछ इम्तियाज अली जैसे भी होते हैं। तो मेरे साथ जो गेस्ट थे उसमें एक यंगस्टर थी लड़की, उसने जब देखा इम्तियाज अली को तो उन्होंने कहा हाय इम्तियाज अली, हाय इम्तियाज अली, इनसे मुझे मिलना है दीदी, इनसे मुझे मिलना है। मैंने बोला मिलना है तो मिला देते हैं, इसमें क्या है। मेरे पास एक वीडियो कैमरा था जो बच्चों को मैंने शूट करने के लिए रखा था कि जो घूम रहे हैं बॉम्बे तो मैं इनकी शूटिंग करती हूँ। तो वो कैमरा और वो बच्ची साथ में थी, बच्ची नहीं अडल्ट कहूंगी, 18 प्लस थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे इम्तियाज अली से मिलना है। तो मैंने देखा इम्तियाज अकेले बैठे थे, है ना, जैसे पृथ्वी थिएटर जिन्होंने देखा उनको पता होगा कि वहां पे बाहर बैठने के लिए जगह बनी हुई है, वहां पे इम्तियाज अली एक पेड़ के नीचे अकेले बैठे थे। तो मैंने वहां पे बोला सर आपके पास थोड़ा समय है, तो बोले हाँ हाँ बोलिए। तो मेरी एक कजन है वो आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। तो बोले हाँ हाँ बेटा कोई बात नहीं, उनको बुलाइए। तो उनको हमने बुलाया, वो मेरे साथ ही थी, बुलाया क्या, पास में खड़ी थी। तो इम्तियाज अली साहब और बच्ची के पेरेंट्स भी साथ में थे, उन चारों के साथ मैंने एक वीडियो शूट किया। तो मैं जब वीडियो शूट कर रही थी तो उन्होंने कहा कि आप अपना नाम बताइए। मैंने बोला मेरा नाम अंजू है और मैं ऐसे ऐसे करके एक चैनल में काम करती हूँ, और अपना पूरा मैंने उनको बताया। बोले बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एक गुजारिश आपसे करूंगा। इम्तियाज साहब ने मुझे कहा कि आप इसको स्टिल मत लीजिएगा, आप इसका एक वीडियो बनाइए, इस बच्चे के साथ मेरा एक वीडियो बनाइए। तो उन्होंने उस बच्चे के साथ बातचीत की और वीडियो बनाया। ना सिर्फ मुझे इतनी खुशी हुई कि बंदे ने इतना टाइम दिया, बल्कि उन्होंने वीडियो शूट भी किया हमारे गेस्ट के साथ, जिनको मैं पहले कभी नहीं मिली थी, सिर्फ उनको सुना था, सिर्फ उनको देखा था इंटरव्यूज में। ये है इम्तियाज अली साहब। अब आपको बताती हूँ जब वी मेट का किस्सा। पहले ये बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये किस्सा कैसे लगा, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अब मैं बताती हूँ इम्तियाज अली साहब ने जो इस फिल्म में गीत का कैरेक्टर जो करीना कपूर ने किया है, वो कहां से उनको आइडिया आया करीना कपूर के इस कैरेक्टर का जिसका नाम गीत है। तो ये एक रियल घटना पे आधारित कैरेक्टर है दोस्तों। एक इंटरव्यू में इम्तियाज अली ने बताया कि एक बार वो दिल्ली में बस से ट्रेवल कर रहे थे और वहां पे एक लड़की भी बैठी हुई थी उनकी साइड वाली सीट पे बस में। तो उस लड़की ने इम्तियाज अली से नॉन स्टॉप बातें करनी शुरू कर दी, जिसमें उसने बहुत सारी बातें की, अपनी पर्सनल बातें भी की, अपने पीरियड्स के दिन की बात की, कैसे होता क्या होता है। फिर उसने ये भी कहा कि कहीं मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझना, मैं बातें कर रही हूं, मैं टाइम पास कर रही हूं, ये वो करके उसने बहुत ही इनोसेंस दिखाई उस पूरे जर्नी में इम्तियाज अली के साथ। जब इम्तियाज अली ने इस चीज को नोटिस किया तो उनको लगा कि ये लड़की वाकई में इनोसेंट है, ये सिर्फ बात करने के लिए बात कर रही है, और साथ में ये भी कहती जा रही कि मैं ज्यादा बोलती नहीं हूं, मुझे ऐसा मत समझिएगा कि मैं बहुत बोलती हूं, है ना। तो ये कैरेक्टर वहां से उनको स्ट्राइक हुआ, और जैसे ही उस लड़की की वो बात सोचते हैं तो उनको तुरंत करीना कपूर ही सामने आती है, क्योंकि करीना कपूर के चेहरे से उनको वो इनोसेंस दिखाई देती थी। कहीं ना कहीं दोस्तों रिजेंबल कर जाते हैं इंसान, खास करके डायरेक्टर जिनका विजन बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है। तो वो लड़की और करीना कपूर का विजन एक साथ लग रहा था, उनको एक जैसी दोनों दिख रही थी, तो उन्होंने
करीना कपूर को सबसे पहले सोचा कि करीना कपूर को मैं गीत के लिए कास्ट करूंगा, यानी कि जब वी मेट की हीरोइन जो थी वो पहले से डिसाइडेड थी करीना कपूर इम्तियाज अली के लिए। इम्तियाज अली को तो करीना कपूर पसंद थी, तो क्या करीना कपूर भी उतना ही इम्तियाज अली के साथ काम करने के लिए तैयार थी जितना इम्तियाज अली तैयार थे करीना कपूर के साथ काम करने के लिए? बताती हूँ एक किस्सा फिल्मी पॉलिटिक्स का कि कैसे बिहाइंड द सीन पॉलिटिक्स होती है और कैसे इक्वेशंस बदल जाती हैं। तो प्रोड्यूसर से शुरू करते, तो प्रोड्यूसर की भी फर्स्ट चॉइस करीना कपूर ही थी और इम्तियाज अली राइटर थे तो स्टोरी और उनका वो सब तो था ही था। अब प्रोड्यूसर ने बॉबी देओल को साइन कर लिया, बॉबी देओल से बात कर ली वर्बली कि आप मेरी फिल्म में काम करोगे। तो डायरेक्टर की बात शुरू हुई तो प्रोड्यूसर ने पूछा बॉबी देओल से, सुजेशन मांगी, तो बॉबी देओल ने कहा कि आप इम्तियाज को ही ले लो एज डायरेक्टर। तो इम्तियाज को एज डायरेक्टर ले लिया गया और बॉबी देओल को साइन कर लिया गया। तो जब ये बात पहुंची करीना कपूर के पास कि बॉबी को अभी वर्बली साइन हुआ है और डायरेक्टर इम्तियाज अली भी, तो उन्होंने वहां पे ये कह दिया कि मैं इम्तियाज के साथ काम नहीं करूंगी। तो ये बात सुन के जो प्रोड्यूसर थे वो हैरान हुए, उन्होंने बोला कि इसका कोई तोड़ निकालो, क्योंकि राइटर तो इम्तियाज अली हैं और डायरेक्टर भी वो होंगे तो अच्छा रहेगा, कोई और ऑप्शन है तो बताइए। तो करीना कपूर ने कहा, एक सजेशन दी कि ठीक है, अगर बॉबी देओल की जगह मेरे बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर को अगर आप ले लेते हैं एज हीरो तो मुझे इम्तियाज अली से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। तो बॉबी देओल को बिना इन्फॉर्म किए हुए ही इस फिल्म से आउट कर दिया गया था दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स थी जो पीछे से खेली गई, साफ साफ नजर आता है कि किसकी तरफ से खेली गई, मगर फिल्म फिर भी बहुत हिट थी। करीना कपूर और शाहिद कपूर, इनकी जोड़ी काफी फेमस थी इस फिल्म से पहले ही। विवाह फिल्म करके शाहिद कपूर ने काफी अपना नाम कमाया था, मगर इस फिल्म से उनका नाम और ज्यादा हुआ और करीना कपूर का भी। मगर दोस्तों ये उनकी लास्ट फिल्म थी एज कपल, एज जोड़ी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने कोई आपस में साथ में कोई फिल्म नहीं की। इनकी जोड़ी की बहुत ज्यादा चर्चा थी क्योंकि ये डेटिंग कर रहे थे इस फिल्म से पहले और काफी ज्यादा करीब थे कि लोगों का कहना था कि ये शादी भी कर लेंगे, इन दोनों की शादी हो जाएगी, यहां तक ये बातें हो रही थी। बट दोस्तों इस फिल्म के दौरान ही क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं, बट इनकी आपस में बिगड़ गई और ब्रेकअप हो गया। तो ये फिल्म थी इनकी लास्ट फिल्म शाहिद कपूर और करीना कपूर की। अब आप सोचेंगे कि शाहिद कपूर को इम्तियाज अली ने कास्ट कैसे कर लिया, क्योंकि इम्तियाज अली बहुत सोच समझ के कास्ट करते हैं, जैसे कि उन्होंने गीत को कास्ट किया, करीना कपूर को कास्ट किया, काफी कुछ वो जानते थे करीना कपूर की एक्टिंग के बारे में और बहुत ज्यादा उन्होंने करीना कपूर को करीब से देखा था, उनकी एक्टिंग स्किल्स को, तो और जो रिजेंबल थी गीत की वो भी काफी हद तक मिलती थी, जैसे कि मैंने बस वाला इंसिडेंट आपको बताया। अब शाहिद कपूर को कैसे कास्ट किया, पहले ही उन्होंने ये कह दिया था कि बिना मिले मैं शाहिद कपूर को कास्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने उनका काम इतना देखा नहीं है। मगर दोस्तों जैसे ही वो शाहिद कपूर से मिले उन्होंने तुरंत हां कर दिया, सिर्फ छोटी सी मुलाकात के बाद, कि यही होगा मेरा हीरो आदित्य। टाइटल की बात करते हैं तो फिल्म का पहला टाइटल जब वी मेट नहीं था, पहले इसको एक टाइटल दिया गया था पंजाब मेल, एक मशहूर ट्रेन है जो मुंबई से पंजाब जाती है, पंजाब मेल, जिसका जिक्र ट्रेन का इस फिल्म में भी है जिसमें वो करीना कपूर जर्नी करती है। और एक और टाइटल दिया गया था इश्क वाया बठिंडा, तो ये भी टाइटल था, मगर डिसाइड हुआ जब वी मेट। क्या दिखाए, है ना, गाना देखा होगा आपने फिल्म में, करीना कपूर डांस कर रही है और काफी सारे डांसर्स हैं पीछे। इस गाने को कोरियोग्राफ किया था सरोज खान ने, मगर उनको प्रॉब्लम आई थी क्योंकि इसमें ओरिजिनल डांसर्स नहीं थे, उसी शहर के डांसर्स थे, उसी जगह के डांसर्स थे जिनको स्टेप मैच करना था करीना कपूर के साथ। तो सरोज खान ने बहुत अच्छे से इस डांस को कोरियोग्राफ किया था नॉन डांसर्स के साथ, तो है ना मजेदार ये बात। लोकेशंस की बात बताती हूँ, फिल्म में आपने देखा होगा कि करीना कपूर बात करती है रतलाम की गलियां, रतलाम की गलियां, और हम लोग भी, मैंने भी जब फिल्म देखी थी तो मुझे भी लगता था कि जब मैं भी जाती हूँ मुंबई से पंजाब तो रतलाम की गलियां मुझे भी दिखाई देती हैं, मगर दोस्तों असल में वो रतलाम की गलियां नहीं थी, वो मनाली की गलियां थी।
हैरानी हो रही है सुन के। फिल्म में लोकेशन का काफी झोल जाल था, जैसे कि रतलाम जो था मनाली में शूट हुआ, मनाली जो था शिमला में शूट हुआ। इसका कारण ये था कि करीना और शाहिद के पास डेट्स की प्रॉब्लम थी, काफी बिजी आर्टिस्ट थे और फिल्म को बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म करना था और जो लोकेशंस मिलती थी वहां पे सीन के हिसाब से वो शूट कर लिया जाता था। लोकेशंस का काफी चीट किया गया था इस फिल्म में, मगर फिल्म को अगर हम देखते हैं तो हमें बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं लगता है कि इट इज चीटिंग, बट फिल्म देख के मजा आता है यही बहुत है। चीटिंग की बात तो रहने दीजिए, क्योंकि ये चीटिंग इंडस्ट्री का, फिल्म लाइन का एक मूल चीज है कि हमें शूट करना है और वो चीज दिखानी है जो लोगों को देखना पसंद है। लास्ट में आपको एक किस्सा सुनाती हूँ दारा सिंह साहब का। दारा सिंह जो बहुत ही फेमस रेसलर रहे हैं, एक्टर भी रहे हैं, इस फिल्म में करीना कपूर के दादा का रोल निभाते हुए नजर आते हैं। अब दारा सिंह के साथ जो सीन था आपने देखा होगा, एक रूम में जहां दारा सिंह का रूम दिखाया गया है, वो रूम एक लेडी का रूम था, ओल्ड लेडी का, जिसकी एज थी 80 इयर्स की। अब वो लेडी मानती नहीं थी कि मुझे फिल्म लाइन वालों को अपने कमरे में घुसने ही नहीं देना है, मुझे नहीं करनी है शूटिंग अपने घर पे, उसने साफ साफ मना कर दिया। मगर दोस्तों प्रोड्यूसर और जो प्रोडक्शन वाले थे उन्होंने जब ये बताया कि ये जो कमरा है ये दारा सिंह का कमरा है वो हम दिखाने वाले हैं, तो उस लेडी ने बोला ठीक है, अगर दारा सिंह आते हैं और आप रोज मुझे दारा सिंह से मिलने दोगे और एक गिलास जूस उन्हें पिलाने दोगे तो मैं हाँ करूंगी कि उनको ये कमरा देने के लिए, तो मैं हाँ करूंगी कि यहाँ पे शूटिंग हो सकती है। तो ये जो शर्त थी प्रोड्यूसर को माननी पड़ी और वो लेडी रोज दारा सिंह को आती थी जूस देने के लिए, 80 इयर्स की लेडी। आप मानिए कितना लोगों का होता ना कि प्यार होता है अपने सेलिब्रिटी के लिए, 80 इयर्स में जाके उनकी इच्छा पूरी हुई होगी कि दारा सिंह को जूस का गिलास देना। तो एक और चीज दारा सिंह से रिलेटेड है, यहाँ पे एक डायलॉग था जो उस कमरे में दारा सिंह करीना कपूर को बोलते हैं कि बंबई में तो नंगी घूमती होगी, तो ये डायलॉग दारा सिंह ने बहुत मुश्किल से बोला था। उन्होंने यहां तक कहा था इम्तियाज को कि ये डायलॉग बदल दो, मेरे से नहीं बोला जा रहा है, मगर उन्होंने कहा इम्तियाज अली ने कि यही डायलॉग बोलना पड़ेगा सर आपको, क्योंकि यही है स्क्रिप्ट की डिमांड। तो दारा सिंह ने डायलॉग बोल दिया था, मगर बहुत ही अनकंफर्टेबल होके ये डायलॉग उन्होंने बोला था। तो हैट्स ऑफ है दारा सिंह जी को उनकी इतनी प्यारी फिल्म देने के लिए। तो ये थी दोस्तों मेरी कहानी जब वी मेट की, जो मैंने आपके साथ शेयर की है, और मेरी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की है बिहाइंड द सीन, आपको कैसी लगी। बहुत सारी और बातें भी है इस फिल्म को लेकर, क्योंकि फिल्म है ही बहुत अच्छी, इतना अच्छा म्यूजिक है, प्रीतम ने इतना अच्छा जो सॉन्ग्स दिए हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे सीन्स हैं इस फिल्म में, कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि ये फिल्म जितनी बार देखो उतनी बार ही मजा आता है। ऐसी प्रेम कहानी है इस फिल्म में, ऐसा ट्राइंगुलर है, ऐसी इनोसेंट लोगों की कहानी है जो इस फिल्म में दर्शाई गई है। तो कैसा लगा आपको ये सफर फिल्मी बात अंजू के साथ, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई सुजेशन हो तो भी बताइएगा। आपको कोई चीज शेयर करनी है तो हमारे नंबर 9833155523 पे शेयर कर सकते हैं ऑडियो और वीडियो के जरिए। और लास्ट में बस यही कहूंगी कि हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इस शो के साथ बने रहिए, और बहुत सारी फिल्में हैं जो मुझे आपके साथ करनी है डिस्कस अपनी, बहुत सारी बातें हैं जो आपको मैंने बतानी है। तो टिल देन कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट चैनल, थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.